हेलो एवरीवन, एसपी शर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। देखो बद्रीनाथ के बारे में पूछा गया है। बद्रीनाथ, जी हाँ, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, देख लेते हैं कहां पर है। तो क्या ये कुमाऊं हिमालय में है, क्या मध्य हिमालय में है या हिमाद्री में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कुमाऊं हिमालय। जी हाँ, जो बद्रीनाथ है ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हिमाद्री है, ये हिमाद्री क्या है भाई, हिमाद्री क्या है, हिमाद्री जो हिमालय है, हिमालय का जो उत्तरतम भाग है वो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ट्रांस हिमालय, ये हिमाद्री का ही जो नाम है, ये ट्रांस हिमालय। हम बात करें हिमालय की, हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर तीन भागों में बांटा गया है। जी हाँ, तीन भागों में, एक दो और ये तीन, तीन भागों में इसको बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग हैं इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हिमालय का जो उत्तर का भाग है इसे कहा जाता है हिमाद्री या ट्रांस हिमालय या महान हिमालय। मध्य वाले भाग को कहा जाता है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। और जो दक्षिण का भाग है इसे कहा जाता है शिवालिक। दक्षिण के भाग को कहा जाता है शिवालिक। अब देख लेते हैं ये हिमालय के जो भाग हैं इनको देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए जो हिमालय का जो ऊपर का भाग, ये समय हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसे ट्रांस हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो मध्य का भाग है निम्न हिमालय, और नीचे का जो भाग है इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक। कभी कभी बच्चों आपके एग्जाम्स में जो श्रेणियां है हिमालय पर्वतमाला की, जो कुछ श्रेणियां है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनका क्रम याद रखना है, क्रम पूछता है। तो क्रम क्या होगा इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये ट्रिक सभी बच्चे नोट कर लें। जो ट्रिक का नाम है वो है कल जाके ट्रांजेक्शन मिली। जी हाँ, कल जाके ट्रांजेक्शन मिली, कल जाके ट्रांजेक्शन मिली, ट्रांजेक्शन मिली। इसमें हम देख लेते हैं तो ये क्या है ट्रिक। कै कै पूरा होगा आपका जो है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी। जी हाँ, कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी के बाद दूसरी जो होगी आपकी वो होगी लद्दाख श्रेणी। जी हाँ, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी जो होगी आपकी वो होगी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और चौथी जो होगी आपकी वो होगी कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। और ट्रांजेक्शन, देखो ये याद रखना, ट्रांजेक्शन मिली, ट्रांजेक्शन फोर होगा आपका ट्रांस हिमालय। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा, तो उसका क्रम यही होगा। सबसे पहले आएगा ऊपर कराकोरम श्रेणी, उसके नीचे फिर आएगा आपका लद्दाख श्रेणी, फिर नीचे आएगा जास्कर श्रेणी, फिर उसके नीचे आएगा कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। और ये देखो कैलाश श्रेणी, और फिर जो है ठीक है कैलाश श्रेणी। और सबसे नीचे की बात करें तो आपका जो है ये इसमें कैलाश श्रेणी होगा। तो ये चार श्रेणियां हैं, और चारों श्रेणियां कहां पर है, ये आपका जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में। और एक बात और याद रखना बच्चों, जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट। जी हाँ, ग्रेनाइट की चट्टानों से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, महान हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये जो ग्रेनाइट वाला जो पार्ट है हिमालय का उत्तर में, ये वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। जी हाँ, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। और मैं आपको एक और बता दूं, जो आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय जिसको हम निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है वो अत्यधिक संपीड़ित, अत्यधिक संपीड़ित जो है सैलों के द्वारा हुआ है, अत्यधिक संपीड़ित अवसादी सैलों के द्वारा हुआ है, अवसादी सैलों के द्वारा। और यदि मैं बात करूं जो नीचे का जो भाग है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो असंपीड़ित,
असंपीड़ित जो है अवसादी सैलों के द्वारा हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन बने हैं। यदि आपसे पूछेगा कि जो ट्रांस हिमालय या महान हिमालय है उसका निर्माण कौन सी सैलों के द्वारा हुआ है, तो ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा हुआ है जो कि वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। ट्रांस हिमालय की संपूर्ण पहाड़ियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और सबसे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं वो आपके ट्रांस हिमालय में ही आते हैं और ये हिमालय का उत्तरतम भाग है। अब हम बात करते हैं जो पर्वतमाला है हिमालय की वो किस नाम से जानी जाती है। इसे जाना जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए सुलेमान श्रेणी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है आपकी सुलेमान श्रेणी जो कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है पाकिस्तान में, प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ती है और ये जो है हिमालय पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग है। और यदि हम देखेंगे इसका वेस्टर्न भाग का, इसका जो है ईस्टर्न भाग कहाँ होगा, पूर्वी भाग, तो इसका पूर्वी भाग देखिए यहां पर होगा, इधर ध्यान दीजिए, पूर्वी भाग जो है कहां पर है, ये बांग्लादेश में है। जी हाँ, बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में नहीं, ये आपका म्यांमार में होगा, बर्मा, कहां पर होगा, बर्मा, ये बर्मा में होगा। और बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जाना गया, बर्मा को वर्तमान में जो है ये देखिए बर्मा को, यहां पर बर्मा है आपका ये, और किस नाम से जाना जाता है बर्मा को प्रेजेंट में, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हिमालय का जो पूर्वी भाग है इसे कहा जाता है अराकान पर्वतमाला। जी हाँ, ये देखिए जो इसका ये भाग है यहां पर, इसे कहा जाता है अराकान पर्वतमाला, अराकान पर्वतमाला, अराकान पर्वतमाला, ठीक है। और कहां पर है ये, म्यांमार में है। अब जो है इससे जो है एक और जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो आपका जो है ये दक्षिणी भाग, जो दक्षिणी भाग हिमालय का, और यहां पर जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का जो पश्चिम का भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पश्चिम भाग को दून के नाम से जाना जाता है और पूर्वी भाग को जो है इसे, पूर्वी भाग को जो है द्वार के नाम से जाना जाता है, पूर्वी भाग को द्वार के नाम से जाना जाता है, द्वार, द्वार यानी कि हरिद्वार, और पश्चिम में बोले तो जो है देहरादून, पाटलिदून और कोटलिदून, ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसी की घाटियां हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर जो है टू, हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है ये कह रहा है निम्नलिखित में, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भाई संसार की दूसरी पर्वत चोटी के बारे में पूछा है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो भी आंसर वही होता, लेकिन इसने यहां पर पूछा कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की, यहां पर देखिए संसार की दूसरी पर्वत चोटी है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जो है, देखिए इधर देखिए, वो होगा आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका जो है गोडविन ऑस्टिन, क्या होगा, गोडविन ऑस्टिन जो है जिसको केटू के नाम से जानते हैं, यह संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी जो ऊंचाई होगी, गोडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो 9598 मीटर होगी, 8598 मीटर, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और यदि इसके साथ साथ वह क्वेश्चन पूछता कि जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट संसार की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और माउंट एवरेस्ट की जो है जो ऊंचाई है वो है आपकी जो है कितनी होगी, देखिए वो है आपकी जो है 8848 मीटर। और ध्यान रखना बच्चों, जो माउंट एवरेस्ट है इसे जो है वहां पर स्थानीय भाषा में, इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यदि ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट की जगह सागरमाथा आ जाए तो ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, सागरमाथा के नाम से भी इसे जाना जाता है।
किसे जाना जाता है सगरमाथा के नाम से? माउंट एवरेस्ट को। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहां पर है? देखो नाम से आपको जो स्पष्ट नजर आ रहा होगा कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपकी सिक्किम में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। जी हाँ, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें कि जो नंदा देवी, एक जो है नंदा देवी, इसमें पर्वत चोटी का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें जो है ऑप्शन में दिया हुआ है नंदा देवी, तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी आपकी नंदा देवी। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड करके ये क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। आपका जो आने वाला एग्जाम होगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन जो है इन सीरीज से आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले ध्यान से पढ़ करके, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान में रख करके जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कराकोरम पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा पूर्व नाम क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम के बारे में पूछा है। तो देखिए जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। जी हाँ, इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। और यहां देखिए केटू श्रेणी कहां पड़ती है? जी बताएं हम आपको, जो केटू श्रेणी है ये पड़ती है आपकी पीओके में, पीओके। और ये पीओके कहां पर है? पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर, जो कि कभी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये विवादित क्षेत्र बना हुआ है। तो जो हमारी केटू श्रेणी है ये आपकी कहां पर? पीओके में। उसके बाद हम बात करें, ये आपका जो है ये सागरमाथा, सागरमाथा क्या है? तो सागरमाथा जो है माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा, ये माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। जो सागरमाथा है ये माउंट एवरेस्ट का नाम है, और माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? ये आपका जो है नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी हाइट हम आपको जो है अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, जो इसकी हाइट है वो है 8848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, ये संसार की सबसे ऊंची चोटी और जो हिमालय पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखना बच्चों, जो हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है इसकी जो लंबाई है, लंबाई का ध्यान रखना, इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा भाग है वो नेपाल में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा है, तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो ये है आपकी, देखो ये होगी गोडविन ऑस्टिन। क्या होगी? गोडविन ऑस्टिन। कहां पर है? पीओके में है। कहां पर है? पीओके में है।
और यदि गौड़ी राष्ट्र ऑप्शन में नहीं देगा तो उसके बाद जो स्थान होगा वो कंचनजंगा का होगा। याद रखना बच्चों, दूसरा स्थान कंचनजंगा का होगा। आपकी नंदा देवी कहां पर है? नंदा देवी उत्तराखंड जो स्टेट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ये आपका है नेपाल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सागर में से मोती निकाले हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पांचवा क्वेश्चन है। देखिए पांचवे क्वेश्चन में क्या है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? तो यहाँ पे कुल्लू घाटी की बात की गई है। और आपको पता ही होगा जो हिमालय क्षेत्र में जो सबसे अधिक जो घाटियों वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? वो आपका मध्य वाला भाग है। तो मध्य भाग में जो है मध्य हिमालय में सबसे अधिक घाटियां जो है पाई जाती हैं। और देखिए कौन सा है इसका सही आंसर क्या होगा, कुल्लू घाटी की बात की है तो कुल्लू जो घाटी है आपकी ये धौलाधार तथा पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रेणियां है इनके बीच में पड़ती है कुल्लू घाटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बात और याद रखना बच्चों, जो हमारा जो है फूलों की घाटी के नाम से जो जाना जाता है फूलों की घाटी, तो वो उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? देखो बच्चों, जो मैं बता रहा था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का पर्वत शिखर पूछा है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा नंदा देवी। जी हाँ, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और यदि बात आ जाए केदारनाथ की, तो केदारनाथ कहाँ है? ये केदारनाथ भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस का कलेक्शन करने में। और ये क्वेश्चन सभी प्रमाणित क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसमें देखिए पूछा है इसने, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? भाई शिवालिक श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था आपको जो हिमालय के जो है तीन भाग हैं, तो ये हिमालय का जो सबसे दक्षिण का भाग हिमालय पर्वत में जो हिमालय पर्वतमाला है इसका पश्चिम में इसका सबसे जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी जो भाग है इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और जो शिवालिक का जो निर्माण हुआ है ये असंपीड़ित अवसादी शैलों के द्वारा हुआ है। और जो है ये किससे हुआ है? तो ये हुआ है किससे? सेनोजोइक के द्वारा हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। और यही क्वेश्चन आपके जो है जनरल एग्जाम में बार बार जो है वापस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है वो है, भारत के किस राज्य में, ये देखिए हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, कंचनजंगा के बारे में पूछा है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो मैंने जो आपको बताया था, जो पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ एग्जाम में, वही उसी क्वेश्चन से दूसरे टाइप का क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है।
अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जो है कहां पर, सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम, सिक्किम राज्य में स्थित है, कहां पर है, सिक्किम राज्य में, और सिक्किम राज्य ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में ये नेपाल के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है नोवा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने दिया है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है, कंचनजंगा कहां स्थित है। देखो ये फिर दोबारा जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है, वही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपका कहां पर, ये सिक्किम में स्थित है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपका K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, दूसरा पर्वत शिखर कौन सा, उसके बारे में पूछा है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये देख लेते हैं। जो दूसरा पर्वत शिखर है ये है आपका जो है कंचनजंगा, कंचनजंगा किसके बाद, K2 के बाद, K2 गोडविन आश्रम के बाद, ये कहां पर है, और ये K2 कहां पर, POK में, और कंचनजंगा कहां पर, सिक्किम में। उसके बाद जो है नंदा देवी कहां आपकी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, सभी बच्चे जान गए होंगे, हम पहले रिपीट कर चुके हैं, 8848 मीटर, जी हाँ 8848 मीटर, 8848 मीटर, ये किसकी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और यदि हम बात करें हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, तो वो आपकी कंचनजंगा, और उसकी जो हाइट होगी वो है आपकी जो है कितनी, 8598 मीटर, 8598 मीटर, ये किसकी है हाइट, ये आपकी जो है K2 की, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि हिमालय पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला भारत के जो सबसे नवीनतम पर्वत है उन, है ना, तो ये भारत का सबसे सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वतमाला, और कैसा पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत, और जो भारत का सबसे नवीनतम यानी कि यंग पर्वतमाला है, यंग माउंटेन, यदि क्वेश्चन आ जाए भारत का यंग माउंटेन कौन सा है, तो वो है आपको जो है हिमालय, और ये आज भी ग्रो कर रहा है, आज भी बढ़ रहा है, आज भी इसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, कोडाइकनाल के बारे में पूछा है कि किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाइकनाल, तो ये कहां पर स्थित है, ये आपको जो है नीलगिरी, जी हाँ नीलगिरी की पहाड़ी आपने सुनी होगी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां तो दक्षिण भारत में स्थित है, और नीलगिरी की पहाड़ियों का अधिकतम जो भाग है वो तमिलनाडु राज्य में है, तो कहां पर स्थित है ये कोडाइकनाल, कहां पर स्थित है, किस पर्वत श्रेणी की श्रृंखला पर स्थित है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। और ध्यान रखना बच्चों, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों की सब जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जी हाँ दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा। और यदि हम बात करें जो हमारा जो है दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो सबसे दक्षिणतम की पहाड़ी है, दक्षिणतम की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम, जी हाँ कार्डेमम
की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये आपके केरल राज्य में है, जहां पर तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, बिल्कुल दक्षिण में साउथ में, तो वहां पर है कार्डेमम की पहाड़ियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाँ देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये मैप रीडिंग कर लेते हैं। इस पे देखिए, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला, और यहाँ पर देखिए पामीर की ग्रंथि, पामीर की ग्रंथि, यदि क्वेश्चन आ जाए पामीर की ग्रंथि हिमालय के कौन से भाग में स्थित है, तो पामीर की जो ग्रंथि है वो हिमालय के कहां, बिल्कुल देखो यहां पर देखिए उत्तर में स्थित है, उत्तर में शीर्ष पर स्थित है, और पामीर की ग्रंथि इधर आपकी जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, और आपका हिंदू कोश, देखिए हिंदू कोश, ये आपका हिंदू कोश, और इधर क्या है कुनलुन श्रेणी, जो पामीर ग्रंथि है ये आपका जो हिंदू कुश पर्वत और कुनलुन श्रेणी को आपस में जोड़ती है, और हिमालय का जो पश्चिमी भाग है सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी ये इधर हिंदू कुश पर्वत से जुड़ती है। अब हम इसमें देख लेते हैं, जो हिमालय है हमारा, जो हिमालय पर्वतमाला है इसका जो है, इसका यहां से यहां तक जो चौड़ाई होगी, यहाँ पर देखिए ये लगभग जो है कितनी है, ये यहाँ पर जो है 400 किलोमीटर जो पश्चिम में इसकी चौड़ाई है हिमालय की, वो 400 किलोमीटर के आसपास, और इधर जो है जो पूरब में जो इसकी हिमालय की जो चौड़ाई है वो मात्र जो है कितनी है, वो है 150 किलोमीटर। और हिमालय की जो लंबाई है, यदि हम हिमालय की लंबाई की बात करें तो हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। जी हाँ, 2400 किलोमीटर। और जो हमारा हिमालय है, हिमालय को जो है नदियों के द्वारा जिसका जो विभाजन किया गया है वो इधर पूरब से पश्चिम चार भागों में किया गया है, पूरब से पश्चिम चार भागों में हिमालय का विभाजन किया गया है। इधर देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा भाग। जो इसका पहला भाग है, जो इसका जो विभाजन नदियों के द्वारा हुआ है, तो इधर आपकी जो है ये आपकी सिंधु नदी और इधर सतलज नदी, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। और इधर जो है हम चलेंगे आगे तो जो है सतलज नदी, और इधर आपका जो है ये सतलज नदी के बाद जो यहाँ पर है देखिए ये सिंधु नदी और सतलज नदी, और सतलज नदी से इधर जो ये है आपका जो है काली नदी, और यहाँ का जो भाग कहलाएगा ये आपका कहलाएगा, ये आपका भाग कहलाएगा, देखिए कौन सा भाग है, कुमाऊं हिमालय, ये आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और जो तीसरा भाग है इधर ये यहाँ पर, यह आपका काली नदी से, और यहाँ पर तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है इसका जो बीच का जो भाग है ये कहलाएगा आपका नेपाल हिमालय। और आगे हम जाएंगे, ये आपका तीस्ता से इधर अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नदी है इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है असम हिमालय, असम हिमालय। तो चार भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर चार भागों में विभाजन किया गया हिमालय पर्वतमाला का, इधर आपका पंजाब हिमालय, या आपका कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो हिमालय पर्वतमाला है ये आपका इधर पाकिस्तान और भारत, चाइना, नेपाल और इधर बांग्लादेश, ये आपका जो है बांग्लादेश नहीं है, आपका म्यांमार होगा इधर, ये आपका म्यांमार, देखिए ये म्यांमार यहाँ तक फैली हुई है, देखो कितने राज्यों में विस्तार है, ठीक है। आपका जो है इधर आपका जो है पाकिस्तान हो गया, कुछ भाग इसके ऊपर अफगानिस्तान में भी है, इधर आपका जो है चाइना में है, भारत में है, और इधर जो है म्यांमार यानी कि बर्मा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसने, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला एक मंदिर है, तो सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा है इसने, काफी विवादित रहा है ये पिछले जो है पिछले दशक में सबरीमाला मंदिर काफी विवादित रहा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया और पूछा भी गया है। इसने कहा है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कहां पर है, ये आपका केरल में स्थित है। जी हाँ, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। भाई जो हिमालय क्षेत्र में जो लंबी घाटियां मिलती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछा है इसने, घाटी के बारे में पूछा है। तो उस घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस घाटी को किस नाम से जाना जाता है, देखिए इस घाटी को जो है चोस के नाम से जाना जाता है, चोस के नाम से। और दून क्या है, देखो दून क्या है, दून जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी उसका जो है पश्चिमी जो भाग है, इसका जो है पश्चिमी भाग शिवालिक श्रेणी के दक्षिण का पश्चिमी भाग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं दून। और इसके जो है पूरी दक्षिण शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग के पूर्वी भाग को उसे कहते हैं हम द्वार, ठीक है ना, द्वार, यानी कि जैसे हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, मर्ग क्या है, यदि मर्ग के बारे में पूछे मर्ग क्या है, तो मर्ग क्या है, एक जो है ये एक घास का मैदान है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और यदि क्वेश्चन आ जाए बुग्याल, बुग्याल के बारे में यदि क्वेश्चन करता है बुग्याल, ये बुग्याल क्या है, बुग्याल बुग्याल, ये बुग्याल जो है घास का मैदान कहां पाया जाता है, ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ये बच्चों ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है। बुग्याल क्या है, बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और कब पाए जाते हैं, गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो जो है उस दौरान जो है ये बुग्याल जो है ये काफी जो है उसमें जो है फलते फूलते हैं, और जब सर्दी के मौसम में जब बर्फ पड़ने लगती है उसके बाद ये घास सूख जाया करती है, और जो ग्वाले होते हैं वहां पर वो वापस जो है रिटर्न कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, देखिए लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने अभी बताया आपको जो आगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो पाए जाते हैं, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के की जो घाटियां हैं वहां पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदान, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, लघु हिमालय, ये देखिए लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, है ना। अब उत्तराखंड की बात की है तो उत्तराखंड में आपको पता होगा, हम पहले जो है रिपीट कर चुके हैं पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो अभी बच्चे सभी समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि उन्हें जो है बुग्याल या प्यार कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो कि जो है गर्मी के मौसम में फलते फूलते हैं, सर्दी में ये सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, किसके मध्य, सतलज एवं काली नदी के बीच पूछा है। सभी बच्चे जो है समझ गए होंगे कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछा है, तो सतलज एवं काली नदी, सतलज एवं काली नदी के बीच में पूछा है। तो ये देखिए मैंने हिमालय का जो आपको जो है विभाजन करके दिखा था अभी, ये वाला विभाजन किया था, ठीक है, और ये आपका जो चार भागों में जो नदी के द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है, ये चार भाग कौन कौन से हैं, ये जो पहला भाग है ये आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, और दूसरा भाग आपका जो है ये कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, और तीसरा जो भाग है आपका
ये आपका जो है नेपाल हिमालय है, और चौथा जो भाग है आपका ये असम हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की जो बाउंड्री बनाती है ये सिंधु और सतलज नदी, और उसके बाद जो कुमाऊं हिमालय की जो बाउंड्री बनाती है ये इधर जो है सतलज और काली नदी, और जो है नेपाल हिमालय की जो बाउंड्री बनाती है तो ये काली और तिस्ता नदी, और असम हिमालय की जो बाउंड्री बनाती है इधर तो आपकी होगी ये तिस्ता और जो है दिहांग नदी। जी हाँ, तिस्ता और दिहांग नदी। अब इसने पूछा है किसके बारे में पूछा है, काली एवं सतलज एवं काली नदी, तो सतलज यहाँ पर होगी और ये काली यहाँ पर होगी, तो कौन सा होगा इसमें, ये आपका कुमाऊं हिमालय। अब देखिए कहाँ पर है कुमाऊं हिमालय, ये रहा आपका ऑप्शन में। जी हाँ, ये ऑप्शन में रहा कुमाऊं हिमालय। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एकदम जो है सागर से निकाले हुए मोती हैं, और कमिंग एग्जाम के लिए ये रामबाण सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये उसी के बारे में पूछा है, हिमालय के बारे में, पूरे हिमालय का इसमें ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा अपनी साइड पर इसको जो है रोक करके अच्छे से इस मैप की रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, कहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच देखा हिमालय। देखिए पूछा इसने काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, काली और तिस्ता नदी के बीच की बात की है, तो ये होगा आपका जो है नेपाल हिमालय। जी हाँ, नेपाल हिमालय इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ देखो, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के बारे में इसने पूछा है, क्या पूछा है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, पर सबसे पहले किस वर्ष जो है विजय प्राप्त की गई, एडमंड हिलेरी और जो है तेंजिंग नोर्गे जो कि जो है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में पूछा है, तो कब इन्होंने जो है फतेह की, इन्होंने फतेह की है 1953 ईस्वी में। जी हाँ, 1953 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहां पर स्थित है। मैं इतने समय से जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूं आपके साथ जो है इन क्वेश्चनों पर जो है एक्सप्लेनेशन आपको जो दे रहा हूं, तो इसमें तो आपको आंसर जो है समझ में आ ही गया होगा, अब जो है क्लास समाप्त होने वाली है तो इसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हो, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। तो देखो हिमालय पर्वत की जो है एक श्रेणी अराकान योमा के बारे में पूछा है, भाई ये जो आपका हिमालय है इस तरह से जो 2400 किलोमीटर की दूरी में जो फैला हुआ है, तो इसका जो है इधर एक पश्चिमी भाग है और इधर पूर्वी भाग है, जो पश्चिमी भाग है वो है आपका जो है सुलेमान, यहाँ पर है सुलेमान पर्वत श्रेणियां, ये आपका जो है सुलेमान पर्वत श्रेणियां, जी हाँ सुलेमान पर्वत श्रेणियां, और यहाँ पर आपका जो है ये अराकान पर्वत श्रेणियां, अराकान पर्वत श्रेणियां, तो कहाँ कौन सा भाग है, कहाँ पर है, देखिए आपका जो हिमालय, हिमालय के जो है हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो म्यांमार में स्थित है, बर्मा में स्थित है, तो आपका जो सही आंसर इसमें होगा वो आपका होगा म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सागर से मोती निकाल के आपके लिए ला रहे हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप कल्पना नहीं करोगे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भाई भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में पूछा है उसने। भारत की बात आई है यहाँ पर भारत की बात आई है तो ये हमारा जो सही आंसर होगा, देखे यहाँ पर K2 गौरीनाशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? असम में स्थित है। कंचनजंगा कहां पर है? असम में स्थित है। और कंचनजंगा की जगह यदि यहां पर गॉर्डन ऑस्टिन दिया हुआ होता तो फिर हमारा वो आंसर सही होता, लेकिन इसने पहले कहा निम्नलिखित, ये ध्यान रखना निम्नलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल मोती, सागर से निकाले हुए मोती, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम के बारे में पूछा है भाई, असम में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है नामचा बरवा पर्वत। जी हाँ, जो नामचा बरवा पर्वत है ये आपका असम हिमालय में स्थित है और ये वही पर्वत है जिसको काट करके जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है चाइना से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है किसको काट के? नामचा बरवा पर्वत को काट करके। और इसी के पास में इधर पड़ेगा आपका, कुछ दूरी पर आगे पड़ेगा नंगा पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और हाँ ये ध्यान रखना बच्चों, जो धौलागिरी है ये धौलागिरी कहां पर है? धौलागिरी, ये धौलागिरी नेपाल में होगी, धौलागिरी नेपाल में होगी। नंदा देवी कहां पर? उत्तराखंड में होगा। और आपका कंचनजंगा कहां पर होगा? असम, कहां पर? ये सिक्किम में होगा, कंचनजंगा सिक्किम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जो है इन क्वेश्चन की जो है आप जो है कॉपी में एक नोट तैयार कीजिए, कॉपी में बनाइए, कॉपी में लिखते रहिए, जो भी हम वर्बली क्वेश्चन बता रहे हैं उनको भी आप जो है नोट करते जाएं, और जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ देखो सर ने ये क्वेश्चन बताया था और ये एग्जाम में मिल गया। ये क्वेश्चन जो है कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड किए हुए क्वेश्चन और बहुत ही मंथन किए हुए क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, कई कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पूछा है, तो आप जो है सभी जानते होंगे इसका आंसर, ये होगा आपका थेटीज। और ये थेटीज है क्या? ये है एक सागर, ये एक सागर, ये सागर है। वास्तव में जो है भारत के बारे में एक रोचक जानकारी हम बता दें, जो हिमालय का जो दक्षिणी भाग है ये आपका जो है गोंडवाना आइलैंड का भाग है, और जो भारत का जो है उत्तर का भाग है ये आपका अंगारा लैंड का भाग है। अब हम बता दें इसके बारे में, जहां पर हिमालय पर्वतमाला है यहाँ पर कभी थेटिस नामक जो है सागर वहां पर हुआ करता था, लेकिन जो है प्लेट विवर्तन के कारण जो है जो भारत का जो दक्षिण में जो पर्वतमाला थी वो नीचे धंसने आरंभ हो गई और इधर सागर में से जो है इस जो है हिमालय पर्वत का जन्म हुआ और जो कि आज भी जो है ग्रोथ कर रहा है, इसलिए इसे यंग माउंटेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ हम बता दें भारत की जो सबसे जो है प्राचीन पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला, और नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय में हम बता दें, देखिए आपको जो है जो हिमालय है, हिमालय से नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि ये मैदान मिलेगा, ये मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद मध्य भारत में जो है फिर एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे विंध्याचल पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, और इसके जो है विंध्याचल पर्वतमाला के पश्चिम में एक जो है अरावली पर्वतमाला है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। और हम नीचे प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में ये आपका जो है ये सह्याद्री की पहाड़ियां होगी जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और इधर पूर्व में ये कुछ पहाड़ियां होंगी, लेकिन जो पूर्वी घाट है ये नदियों के द्वारा जगह जगह से इसको जो है काट दिया गया है, ये सतत नहीं है। पश्चिमी घाट सतत है लेकिन पूर्वी घाट सतत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात कही है इसने। अच्छा हिमालय का प्रादेशिक कोटल रीजन निम्न से, अच्छा हिमालय का देखिए जो हिमालय का जो है ये दक्षिण दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग के बारे में पूछा है। फुट हिल यानी कि जिस पर हिमालय ये इसकी बात की इसने, जो हिमालय है ये वाला ये फुट हिल हिमालय का इसके बारे में पूछा है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक, इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो पर्वत श्रेणियां है, इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें जो सबसे उत्तर की जो है इसकी पर्वत श्रेणियां हैं, उन्हें ट्रांस हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य भाग को जो है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो शिवालिक है इसका जो निर्माण हुआ है वो असंपीड़ित अवसादी शैलों के द्वारा हुआ है। याद रखना बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये तो उसने पूछ लिया, इस बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया शिवालिक के बारे में, उसने पूछ लिया। लेकिन अब आपसे पूछ सकता है कि शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो दक्षिणी भाग है जो हिमालय का, उसका निर्माण किस प्रकार की शैलों के द्वारा हुआ है, तो ये जो है असंपीड़ित जो है अवसादी शैलों के द्वारा हुआ है। तो बच्चों ये थी हमारी जो है आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एक जो है अभी नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, विभिन्न एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो बच्चों आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चनों को आप जो है अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें, और जो इनके बारे में वर्बली आपको हम बताते हैं उसको भी नोट करते जाएं, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।